हेलो दोस्तों, जय माता दी। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियो को रोज़ देखते होंगे। और हम आज है संडे तो खाने की तैयारी कर रहे हैं, झटपट से दाल चावल चढ़ा रही हैं और आज बना रहे हैं गोभी की सब्जी और करेला का भुजिया। सब्जी को अच्छे से कट कर लिया है और कट करके धो लिए हैं। तीन बार धो चुके हैं, चौथी बार धो रहे हैं क्योंकि पूरा वीडियो में नहीं दिखाना संभव होता है। आप लोग सोचेंगे एक पानी से धो रहे हैं, नहीं, हम तीन बार धो चुके हैं ऑलरेडी और ये चौथी बार धो रहे हैं क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी किरकिरपन रह गया तो सब्जी ख़राब हो जाएगी। चावल चढ़ा दिया, दाल हो गया, सब्जी की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और हम जल्दी से रसोई भी साफ़ कर लिए क्योंकि सब्जी काटे थे तो थोड़ा गंदा हो गया था। तो सब्जी की तैयारी चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं। संडे का दिन बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है क्योंकि बहुत लेट से उठते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाता है कि एक दिन छुट्टी को मिलती है तो थोड़ा लेट तक सो जाते हैं और जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही लेट हो गया आज। तो आलू को भी फ्राई कर लिए, गोभी को फ्राई करके रख लिए थे और ये डंठल है गोभी की फ्रेश थी तो उसको भी सब्जी में डाल दिया, अच्छा लगता है। गर्मी बहुत लग रहा था तो जलजीरा पानी बना के रखे थे, इसको पी लिए। अब सब्जी को बनाने के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं, पूरा भेज है इसमें, कोई प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, सिर्फ टमाटर और मसाला है और धनिया पत्ता पर बना रहे हैं। प्याज लहसुन का और इसमें हम नहीं प्रयोग करते हैं क्योंकि हम गोभी में हमको प्याज नहीं अच्छा लगता, प्याज लहसुन अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लेन बनाते हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके कि मेरा सब्ज़ी कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।